नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। देश भर की 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव विधानसभा की सीटों पर 13 नवंबर को होगा। इस कड़ी में देखा जाए तो बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 4 विधानसभा सीटों में अगर हम जिक्र करें तो इमामगंज, रामगढ़, बेलागंज और तराई विधानसभा सीट है जिस पर लगातार प्रत्याशियों का ऐलान किया जा रहा है। आरजेडी, बीजेपी गठबंधन और बात करें प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी अपने उम्मीदवारों के ऐलान करती हुई नजर आ रही है। इन 4 विधानसभा सीटों में से एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट मानी जा रही है जिस पर उपचुनाव है, वो विधानसभा सीट है इमामगंज। इमामगंज वो विधानसभा सीट है जिस पर जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। और बात करें जीतन राम मांझी की, वो इमामगंज से विधायक रह चुके हैं। विधानसभा का चुनाव इमामगंज से जीतन राम मांझी ने जीता था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने गया से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसके बाद ये सीट खाली हो जाती है, अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन देखा जाए तो इस सीट पर ये चर्चा थी कि जीतन राम मांझी एक अलग ही चेहरे को उतारे, एक ऐसा चेहरा जो परिवार से अलग हटकर होगा। लेकिन देखा जाए तो जीतन राम मांझी ने अपने परिवार का जाल बिछा दिया है। वो जीतन राम मांझी जो ये कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव ने किया क्या है, सिर्फ अपने परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाया और परिवारवाद लालू प्रसाद यादव के जरिए देखा जाता है, तो वही जीतन राम मांझी की बात करें तो नीतीश कैबिनेट में उनके बेटे संतोष मांझी हैं, खुद केंद्रीय मंत्री हैं। उनकी अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर संतोष मांझी की जो सास हैं वो विधायक हैं और अब वो अपनी बहू को मैदान में उतारते हुए नजर आ रहे हैं। इमामगंज से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से दीपा मांझी को टिकट सौंप दिया गया है। वहीं आरजेडी की तरफ से रोशन मांझी यहां पर नजर आ रही। प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से जितेंद्र प्रसाद पासवान को यहां पर टिकट सौंपा गया है। मुकाबला कड़ा है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवारों पर भी नजर रखने की चर्चाएं काफी तेज हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव तर्ज पर अगर हम देखें तो कई ऐसे निर्दलीय विधायक भी यहाँ पर सामने आए थे जो अपनी सीट को छोड़कर लोकसभा का चुनाव लड़े। कई ऐसे चेहरे भी सामने आए थे जो पार्टी से अलग हटकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे, जैसे कि हीना साहब की अगर हम चर्चा करें तो हीना साहब आरजेडी का बड़ा हिस्सा थी, लेकिन लोकसभा का चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। और अगर हम बात करें तो हीना साहब को लेकर अभी चर्चाएं चल रही हैं कि हो सकता है कि इमामगंज से वो निर्दलीय फिर से विधानसभा का ये उपचुनाव लड़ती हुई नजर आए, क्योंकि 13% आबादी इमामगंज पर मुस्लिमों की मानी जाती है। अब इस लिहाज से देखना काफी अहम होने वाला है कि आरजेडी ने प्रत्याशी उतार दिया यहाँ पर, एनडीए की तरफ से हम पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिया, जन स्वराज ने भी उतार दिया, कई और दल भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी प्रत्याशी उतार रहे हैं। अब इस कड़ी में देखना होगा कि क्या वाकई हीना साहब को लेकर जो चर्चाएं तेज हो रही थी क्या वाकई सिद्ध साबित होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अभी 30 अक्टूबर तक का समय है और नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। देखना अहम होने वाला क्या हीना साहब वाकई चुनाव लड़ेंगी या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।